हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, ये हमारे HTML की हिंदी उर्दू सीरीज है और हर ट्यूटोरियल में हम HTML की अलग अलग टैग्स की बात करते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे HTML टैग्स की फॉर्मेटिंग के बारे में, HTML टैग्स की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में कि हम इसमें टेक्स्ट किस किस फॉर्मेट का लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं दो किस्म के बात करूंगा। पहला जो है वो है इटैलिक, के किस तरह हम एक इटैलिक टेक्स्ट लिख सकते हैं एचटीएमएल में, उसके लिए टैग क्या है। और दूसरा जो है कि हम किस तरह अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये दो किस्म के टैग्स इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे। ये दो किस्म के टैग्स मैंने आप लोगों के सामने ऑन किए हैं। ये एक ब्राउजर है और ये एक एचटीएमएल एडिटर है जो हमने इस ब्राउजर में ओपन किया हुआ है। इस टाइटल के साथ आप ये भी चेक कर लें। तो पहले मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ H1 और इसमें मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और इसके नीचे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ सी का, और मैं यहाँ गूगल पर जाकर लॉरेंस प्लेम से एक पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इस जगह पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि हमें इतना ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ समझ रहे हैं। ठीक है, ये हमने एक पैराग्राफ ले लिया है और ये है एक टाइटल। अब हम चाहते हैं कि ये पहले मैं इसको जरा सेव कर देता हूँ और देखते हैं कि ये नॉर्मली किस तरह हमारे ब्राउजर में नजर आते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको सेव किया और यहाँ आकर इसको रिफ्रेश किया। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, यानी कि ये हमारा शो हो रहा है। ये हमारा हेलो वर्ल्ड का हेडिंग है और ये हमारा एक पैराग्राफ है एक लाइन का। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड जो है ये इटैलिक हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए टैग है आई टैग है, तो जिधर से H1 स्टार्ट हुआ है वहां पर हम ले लेंगे आई टैग ले लिया, और यहाँ पर हम इस आई टैग को क्लोज कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने इसको क्लोज कर दिया। अब इसको हम सेव कर लें। जैसे मैंने इसको सेव किया और यहाँ आकर रिफ्रेश करता हूँ तो देखना कि इस हेलो वर्ल्ड के ये कैसे इटैलिक हो जाए। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया हेलो वर्ल्ड इटैलिक हो गया। अब ये आप एक पैराग्राफ पर भी लगा सकते हैं, फुल पैराग्राफ पर भी लगा सकते हैं, एक दो तीन वर्ड्स पर भी लगा सकते हैं पैराग्राफ में। मैं यहाँ जिस तरह मैंने इस पूरे टाइटल पर लगाया, अब मैं यहाँ आकर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मैं इन तीन वर्ड्सों पर इटैलिक लगाना चाहता हूँ इस पैराग्राफ में। तो इस तरह होगा आई, जैसे मैंने कहा आई टैग से स्टार्ट होता है और इधर तक मैंने लगाना है, तो यहाँ पर मैंने आई टैग क्लोज कर दिया और अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। जैसे मैं इसको सेव कर लूँ, यहाँ देखे मैं पहले इसको जरा जूम कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको जरा जूम कर दिया। देखिए मैंने इटैलिक इस पर और इस यहाँ द तक मैंने लगाया है। ठीक है, आप देख लें, तो एक और थोड़ा सा और जूम कर दिया, इन दोनों लफ्जों पर मैंने लगाया है। ठीक है, द तक हमर एंड द, इस पर मैंने इटैलिक लगाया है। देखते हैं कि रिफ्रेश करके होता है या नहीं। देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया, ये तीनों वर्ड्स इटैलिक हो गए हैं। तो इसी तरह का हम इटैलिक वर्ड्स करते हैं। ठीक है, अब मैं अंडरलाइन का वो
करते हैं कि अंडरलाइन किस तरह होते हैं। तो इस इटैलिक को मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ और यहाँ से भी हटा देता हूँ और यहाँ से भी हटा देता हूँ, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल हो गया है। अब हम करते क्या है, अब हम अंडरलाइन करना चाहते हैं कि हमारा ये टाइटल जो है, ये हेडिंग जो है, ये अंडरलाइन हो जाए। तो उसके लिए हम कौन सा टैग लेंगे, यूवी वी टैग लेंगे, ठीक है। तो वी टैग स्टार्ट हुआ यहाँ से और फिर यहाँ पर आकर हम उसको एंड कर देंगे, जैसे पहले मैंने कहा था। जैसे पहले मैंने कहा था कि जिस तरह आई यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, आई यहाँ पर क्लोज हुआ था, तो ये इटैलिक हो गया था। अब हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने वी टैग मतलब अंडरलाइन यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब हम आकर यहाँ रिफ्रेश करेंगे कि ये हेलो वर्ड जो है ये अंडरलाइन होता है या नहीं। तो मैं यहाँ इसको रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी ये मैंने सेव नहीं किया, तो पहले मैं इसको जरा सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ आकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए ये अंडरलाइन हो चुका है। इस तरह हम ट्राई करते हैं, यहाँ पर यूटी में हटा देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर लेता हूँ, सेव अंडरलाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं यही कंट्रोल वी, यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगा। मैंने कहा कि जब तक अंडरलाइन करना चाहता हूँ ये नॉर्मल तक, यहाँ तक वी जो है वो टैग जो है वो एंड हो गया है, यहाँ से ओपन था यहाँ से एंड हो गया। और अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको सेव किया और यहाँ आकर इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए लॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्स दैट ये नॉर्मल तक अंडरलाइन हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एचटीएमएल के दो टैग्स पढ़े, इटैलिक टैग्स और अंडरलाइन टैग्स। किस तरह हम टैग्स को इटैलिक कर सकते हैं और किस तरह हम टैग्स को अंडरलाइन कर सकते हैं एचटीएमएल में, ये दो चीज़ें हमने आज पढ़ी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एचटीएमएल के और टैग्स जानने के लिए हमारे साथ ही रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।